नमस्कार, मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स, जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को स्वच्छ बनाने के लिए भारत स्वच्छ अभियान चला रहे हैं, तो वहीं मुंब्रा शहर में इस स्वच्छता अभियान की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल मुंब्रा शहर का साफ सफाई का जिम्मा प्राइवेट कर दिया गया है, जिसका उद्घाटन कलवा मुंब्रा के आमदार जितेंद्र अवार्ड ने किया है। इस साफ सफाई का जिम्मा क्रिस्टल कंपनी को दिया गया है। ये कंपनी बीजेपी नेता प्रसाद लाड़ की है। आपको बता दें कि मुंब्रा में पहले ही साफ सफाई का बंदोबस्त ठीक नहीं था, मगर 28 सितंबर को इस साफ सफाई का जिम्मा क्रिस्टल कंपनी को दिया गया, ताकि मुंब्रा स्वच्छ और सुंदर बन सके। मगर आज मुंब्रा शहर के हालात और भी बद से बदतर हो गए हैं। शहर में सड़कों पर कचरों का अंबार लगा हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जब सड़कों का ये हाल है तो शहर की गलियों का क्या हाल होगा। सड़कों पर कचरों का अंबार होने की वजह से राहगीरों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इन कचरों से आने वाली बदबू लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। आपको बता दें कि अभी दो दिन में ही मुंब्रा शहर का ये हाल हुआ है, तो अगले आने वाले दिनों में मुंब्रा शहर का क्या हाल होगा, यानी स्वच्छ मुंब्रा या कचरों में मुंब्रा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।